तो गाइस ये रील जो भी इंस्टाग्राम में काफी ज्यादा ट्रेंड पे चल रही है, तो चलिए आपको बताते हैं इस प्रकार से रील आप एक क्लिक में कैसे बनाएंगे। तो मेरा भाई, इसके लिए सबसे पहले आपको कोई भी वीपीएन को कनेक्ट कर लेना है, कोई भी सा वीपीएन आपको चलेगा, ठीक है। एंड उसके बाद जो आपको क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। एंड यहाँ पर जो हम सर्च कर रहे हैं आपको कुछ इसी प्रकार से वहाँ भी आपको सर्च करना है, ठीक है। काची आपको यहाँ पे लिखना है एंड सारे कैप का टेम्पलेट यहाँ पे आपको सर्च करना है क्रोम ब्राउजर में, ठीक है। देखो कैप का टेम्पलेट यहाँ पे आपको लास्ट में सर्च कर देना है, ठीक है। देखो यहाँ पर सर्च कर लेने के बाद ये जो सेकंड वाला वेबसाइट दिख रहा है ना, इस पर आपको क्लिक करना है। देन यहाँ पर क्लिक कर लेने के बाद आपको हल्का सा वेट करना है। नीचे आपको यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर जो वो वाला टेम्पलेट यहाँ पे शो होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। देन नीचे आपको यहाँ पे यूज टेम्पलेट ऑन कैपकट का जो ऑप्शन दिख रहा है ना नीचे, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। देन देखो यहाँ पर क्लिक कर लेने के बाद आपको हल्का सा वेट करना है। एंड साथ जो है ना वीपीएन को कनेक्ट रखना है, वरना तो यहाँ पर जो आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको हल्का सा वेट करना है। देन यहाँ पर ये जो आपको कैपकट के अंदर लेके आ जाएगा, एंड यहाँ पर जो आपको वो जो टेम्पलेट यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। देखो हल्का सा वेट कर लेना है आपको। देखो यहाँ पर ये जो धीरे धीरे दिख रहा है, देखो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। एंड यूज टेम्पलेट पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। फिर यहाँ पर क्लिक कर लेने के बाद आपको जो भी वीडियो को आप उस टेम्पलेट पे ऐड करना चाहते हो उसको सेलेक्ट करके नीचे नेक्स्ट पे क्लिक कर दे रहा है। एंड देखो यहाँ पर लोडिंग इफेक्ट ले रहा है, आपको हल्का सा वेट कर ले रहा है। फिर यहाँ पर ये इस इफेक्ट को जो आपको 100% होने दे रहा है, ठीक है। देखो देखो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद ये जो हमारा यहाँ पे वीडियो बन के रेडी हो चुका है, देख सकते हो। एंड ऊपर में एक्सपोर्ट वाले बटन पे क्लिक कर रहा है। फिर यहाँ पर एक्सपोर्ट के बटन पे क्लिक कर लेने के बाद यहाँ से अपने वीडियो को जो आपको यहाँ से एक्सपोर्ट पे क्लिक करके अपने वीडियो को गैलरी में सेव कर लेना है।